नमस्कार दोस्तों, ओडिशा 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक नया संकट बन के आ चुका है निपा वायरस। निपा वायरस अभी बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, खास करके केरला स्टेट में, जिसको लेके पड़ोसी राज्यों कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर अभी भयों का माहौल चल रहा है। ये खतरनाक निपा वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब निपा वायरस को लेकर के कई तरह के सवाल लोगों के मन में चल रहा है। आखिर क्या है ये निपा वायरस? निपा वायरस एक तरह का वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता है। इसका कोई ठोस इलाज नहीं है, ना कि कोई वैक्सीन मौजूद है। ये वायरस फ्लाइंग फॉक्स यानी फ्रूट बेट से जानवरों और इंसानों में फैलता है। आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों जैसे जानवरों को भी ये प्रभावित करता है, और यदि यह मनुष्यों में फैलता है तो ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपा वायरस कई जानवरों को संक्रमण करता है। इसके संक्रमण के वजह से कई बड़ी बड़ी बीमारी होने के संभावना भी है। इस वायरस संक्रमण के लक्षण है दिमागी बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराज, सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना। WHO के अनुसार कुछ मामलों में लोगों को निमोनिया, न्यूरो प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो विश्व का सबसे बड़ा चमगादड़ है, ये चमगादड़ के वजह से बहुत सारे वायरस मनुष्य के शरीर में जा सकता है। ये नहीं कि ये वायरस अभी आया है, ये निपा वायरस पहले से मौजूद था। सबसे पहला केस देखा गया था 1995 में। मलेशिया में एक जगह है निपा, सुअर के वजह से वहां पर जो सुअर फार्मर्स थे उनमें ये वायरस फैल गया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में निपा वायरस को 2021 से पहले 4 बार देखा गया था। पहले 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, फिर दूसरी बार 2007 में वेस्ट बंगाल के नारिया डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, फिर तीसरी बार ये वायरस देखा गया था कोझिकोड़े डिस्ट्रिक्ट केरला में, जहां पर 17 लोगों की जान भी चली गई थी। फिर चौथी बार 2019 में केरला में सिर्फ एक ही केस सामने आया था, और अभी 2021 में 5वीं बार भारत में ये वायरस देखने को मिला है। अभी सोचने की बात यह है कि कोरोना वायरस से ये किस तरह से अलग है। ये तो सबको पता है, दोनों वायरस का कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, पर कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, लेकिन अभी तक निपा वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं आया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निपा वायरस बहुत ही स्लो स्प्रेड होता है, यानी धीरे धीरे संक्रमण होता है, लेकिन कोरोना वायरस बहुत ही जल्द संक्रमण कर लेता है। क्योंकि निपा वायरस अगर आप किसी जानवर के संस्पर्श में आते हो तभी होता है, लेकिन कोरोना वायरस डायरेक्ट इंसानों से इंसानों को संक्रमण करता है। निपा वायरस के केस में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसमें लोगों की मृत्यु होने की चांसेस करीब 60-70% है। निपा वायरस इतना खतरनाक है कि WHO के 10 शीर्ष वायरस की सूची में निपा शामिल है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई दवा या टीका मौजूद नहीं है। निपा वायरस से बचने के लिए सबसे सुरक्षित उपाय ये है कि आप सुनिश्चित करें कि आप जो खाना खाते हो वो चमगादड़ या उसके मल से दूषित ना हो। चमगादड़ों के कुत्रे फलों को खाने से बचिए और बीमारी से पड़े किसी भी व्यक्ति से दूर रहे। दोस्तों, चाहे कोरोना वायरस हो या निपा वायरस, ये दोनों वायरस बहुत ही खतरनाक है। ये वायरस से बचने के लिए आप सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।